हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साची अग्रवाल। मैंने रैंक 5 उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज 2018 में हासिल किया है। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड की बिलोंग करती हूं और प्रेजेंटली दिल्ली में रिसाइड कर रही हूं। मैंने अपनी स्कूलिंग नैनीताल एंड दिल्ली से ही कंप्लीट करी है। वहीं मैंने अपना लॉ भी दिल्ली से ही कंप्लीट करा है। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक की शुक्रगुजार हूँ कि मैं आप सभी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकती हूँ आज। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज़ का जो पेपर होता है वो 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम होता है। इसमें आता है हमारा पहला स्टेज जो होती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, जिसको हम कहते हैं PT, जो कि होता है 200 मार्क्स का। सेकंड होता है मेंस एग्जामिनेशन विच इज़ ऑफ 850 मार्क्स, एंड देन वी हैव इंटरव्यू विच इज़ अगेन ऑफ 100 मार्क्स। तो तीनों स्टेजेस ही अपने आप में बहुत मैटर करती हैं। एंड जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें आपको मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स टोटल किए जाते हैं फॉर द बेसिस ऑफ रैंकिंग्स। PT के मार्क्स इंक्लूड नहीं करते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज भी आपका टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले हम PT की बात करते हैं। तो जो PT का पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का। इस 200 मार्क्स में बाइफर्केशन दी गई है। 150 मार्क्स का आता है प्योरली लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन 50 मार्क्स के आते हैं हमारा लीगल अफेयर्स या करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस, एंड आल्सो क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको वेल वर्स्ड होना पड़ेगा कि लीगल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड कौन है, एंड लीगल नॉलेज, लीगल अफेयर्स कि कौन सा अमेंडमेंट कब आया, कौन सी डेट को आया। जैसे हमारे पेपर में पूछा गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, या फिर नेक्स्ट 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट कब इन्फोर्समेंट में आया। सो डेट्स बहुत मैटर करती हैं। उसके अलावा जो PT का पेपर होता है फॉर दैट लॉ बेस्ड क्वेश्चंस, उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट की इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स में से वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि विच कोड, सपोज इंडियन पिनल कोड है तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं या कितने सेक्शंस हैं। वही CRPC में भी पूछ लेंगे, एविडेंस में भी पूछ लेंगे। सो आपको हर एक्ट का पहला इन्फोर्समेंट पता होना चाहिए कि किस डेट में इन्फोर्स हुआ है। सेकेंड, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। थर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रीसेंट अमेंडमेंट आई है कोई तो उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। फोर्थ, जो PT में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आपको याद करने हैं लेकिन अगर आपको चैप्टर्स के नाम याद नहीं होंगे तो आप वो चीट कोड्स या ट्रिक्स वगैरह के हिसाब से या कोई भी शॉर्टकट मेथड के हिसाब से आपको याद रखने पड़ेंगे चैप्टर्स कहाँ हैं, कौन सा सेक्शन कौन से चैप्टर में फॉल करता है। फिफ्थली, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी PT के क्वेश्चंस को एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम को कंप्लीट करना इज़ द की फॉर सक्सेस। ऑल्सो PT के लिए मैंने अपने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर्स, जो मॉक पेपर्स होते हैं, वो सॉल्व किए थे। एडिशनली मैंने हर, जब भी मैं कोई भी सिलेबस का एक लॉ कंप्लीट करती थी या करंट अफेयर्स कंप्लीट करती थी तो मैं कुछ ऐप्स के थ्रू, जैसे अगर करंट अफेयर्स हो गया तो एक ऐप है GK टुडे, उसके ऐप को मैंने इंस्टॉल किया था एंड डेली मैं 10 क्वेश्चंस सॉल्व करती थी। अदरवाइज मॉक पेपर्स मैंने सॉल्व किए। मैंने परीक्षा मंथन की जुडिशियल सर्विसेज के लिए एक PT बेस्ड MCQ बुक आती है, मैंने उसको सॉल्व किया था। सो आई हैड प्रैक्टिस की मेरे को, मैं अलार्म लगा देती थी और उस अलार्म के बेसिस पे मैं अपने आप को टेस्ट करती थी, अपने आप को असेस करती थी। एंड देन जहाँ से मैंने इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने कोचिंग ली है, विच इज़ राहुल्स IAS, तो वहाँ से राहुल्स IAS से मेरे को मॉक टेस्ट में बहुत हेल्प ये होती थी कि मुझे पता चलता था कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। मूविंग ऑन, जब मेरे रिज़ल्ट आया था विच वॉज़ ऑन 5th July 2018, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है तो टेंटेटिवली वो बता देते हैं कि आपका मेंस कौन से मंथ में होगा, कौन से वीक में होगा। सो आई हैड दैट फेयर इनफ आइडिया कि मेरा सितंबर के आसपास ही मेंस का एग्ज़ाम फॉल करेगा। सो मैंने उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी आगे फॉरवर्ड करी। लेकिन कभी भी आप PT से पहले
मेंस के लिए पढ़ाई ना करें, पीटी से एक महीना पहले 20 दिन पहले आप केवल और केवल पीटी के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज आपको हैबिट हो जाएगी एंड आपको चीज़ें रिवाइज करनी है तो रिविजन के लिए प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट थिंग। मेंस की तैयारी आप पीटी के रिजल्ट के बाद और ज़ोर शोर से करनी चाहिए, क्योंकि तभी एक टाइम है जब आप रिविजन कर सकते हैं। एंड देन मूविंग ऑनवर्ड्स टू द मेंस एग्जामिनेशन, उत्तराखंड जुडिशल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है प्रेजेंट डे का, जो कि 150 मार्क्स का होता है और इसमें कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होते हैं एंड इट इज़ कंपल्सरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पे जो बाइफर्केशन दी गई है, अगेन एक क्वेश्चन आता है आपका इंटरनेशनल लॉ से, जिसके लिए मैंने एस के कपूर की बुक रेफ़र की थी। फिर आता है ज्यूरिसप्रूडेंस, मैंने नोट्स अपने इंस्टीट्यूट के रेफ़र किए थे एंड बीएन त्रिपाठी की बुक ज्यूरिसप्रूडेंस की मैंने रेफ़र की थी। देन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगेन यू शुड नॉट ओनली स्टडी द बेयर एक्ट और द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट आपको पता होना चाहिए कि आजकल पार्लियामेंट्री में क्या डिबेट्स चल रही हैं, किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक बर्निंग इशू है, बिकॉज आपको वो सारी चीज़ें जब आप पढ़ रहे हो स्पेशली फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, तो आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका एक जो आंसर होगा वो बहुत अच्छा बन के आता है। देन मूविंग ऑनवर्ड्स टू द सेकेंड पेपर विच इज़ ऑफ लैंग्वेज एंड इट कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। अब लैंग्वेज का पेपर तो बिकॉज मेरा मीडियम इंग्लिश था तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे ट्रांसलेशन होती है एंड ट्रांसलेशन के लिए मैंने ऑलमोस्ट डेली ट्रांसलेशन तैयारी करी थी। एक दिन मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी करती थी, अगले दिन मैं हिंदी टू इंग्लिश करती थी। एंड मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूँगी कि हिंदी मीडियम के बच्चे अपने आप को ये ना समझें कभी भी कि इंग्लिश मीडियम वालों को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं या इंग्लिश मीडियम वाले आगे जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड आई रियली सल्यूट टू पीपल हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड दे आर गेटिंग सेलेक्टेड इन जुडिशल सर्विसेज, क्योंकि पहले तो लॉ अपने आप में थोड़ा टफ होता है एंड देन आप हिंदी मीडियम से लॉ करके, बिकॉज वहाँ वर्ड्स वो जो शब्दावली होती है वो बहुत टफ होती है एंड इंग्लिश में तो मेरे को लगता है रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, स्टडी मटेरियल बहुत मिल जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए वो स्टडी मटेरियल थोड़ा एक छोटा पड़ जाता है, थोड़ी हेल्प के हिसाब से थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना होता है तो प्योरली आपको लॉ की लैंग्वेज लिखनी होती है। मैंने ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस न्यूज़पेपर से करी थी, मैंने इंग्लिश के लिए यूज़ किया था टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो मेरे को अपने करंट अफेयर्स या जीके पोर्शन में हेल्प करता है। एंड हिंदी के लिए मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया था जनसत्ता और राष्ट्रीय सहारा। तो ये दोनों पेपर्स की जो लैंग्वेज है वो मेरे को लगता था कि थोड़ी सी उस ही हिसाब से है जिस हिसाब से पेपर में मानी जाती है। एंड मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का जो लैंग्वेज का पेपर था वो कम से कम 2 बार मैंने प्रैक्टिस किया था। एंड क्योंकि मेरे घर में माहौल थोड़ा पढ़ाई का है, क्योंकि मेरी मदर थोड़ी सी लिटरेचर फील्ड की हैं एंड उनसे मैंने बहुत हेल्प ली थी, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं कि हम बहुत रेगुलर यूज़ में यूज़ करते हैं लेकिन जब हम लिखने जाते हैं तो वो मात्राएं बहुत गलत हो जाती हैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक के भी आपको मार्क्स कट हो जाते हैं। तो मूविंग ऑनवर्ड्स टू द नेक्स्ट पेपर, अब जो पेपर्स हैं वो सारे तीनों लॉ के पेपर हैं। लॉ पेपर 1 जो है वो सब्सटैंटिव पेपर है, इसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, इन 10 सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट मिस नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तराखंड में जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो कंपलसरी होता है। एंड मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन आए थे वो ईजमेंट एक्ट से आ गए थे, तो ईजमेंट एक्ट अगर कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट्स में देखा जाए तो कंपलसरी बेस्ड क्वेश्चंस में नहीं देते, वो ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। मेरे साथ हुआ नहीं था एंड थैंकफुली आई हैड स्टडीड, सो मेरे को ये टाइम मैनेजमेंट मेरे आशीष सर ने, जो कि परीक्षा मंथन जुडिशल सर्विसेज के मेंटर हैं, उन्होंने बताया था कि बेटा आप कोई भी पेपर छोड़ना मत, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ लेना, छोड़ना मत, भले आप अपनी आँखों से गुजार लो, दैट विल बी योर की टू सक्सेस, कि आप अपना पेपर कंप्लीट करें, कोई भी सब्जेक्ट्स छोड़े ना एंड हर चीज़ को कम से कम 3 बार 4 बार आपने पढ़ा हो ताकि कि वो आपके दिमाग में रहेगा।
जो सब्सटैंडिव लॉ का पेपर होता है वो अगेन 200 मार्क्स का होता है. देन मूविंग ऑन वर्ड्स टू द सेकेंड पेपर विच इज़ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर. एविडेंस एंड प्रोसीजर में अब ये भी 200 मार्क्स का पेपर है, लेकिन इस 200 मार्क्स में जो 40 मार्क्स का पेपर कंपल्स 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है विच इज़ कंपल्सरी, वो होता है हमारा प्लेन एंड जजमेंट राइटिंग या फिर रिटन स्टेटमेंट जजमेंट राइटिंग पे. तो आपको दोनों ही तैयार करने होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा एग्जामिनर आपसे कौन से ऑप्शन दे दे आपको. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप प्लेन जजमेंट राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, रिटन स्टेटमेंट, ये सब आप तैयार करें. और प्लेन और रिटन स्टेटमेंट तो आप मेरे ख्याल से सभी ने, हम लोगों ने जिन्होंने लॉ स्कूल पढ़ा है, 5 ईयर का लॉ स्कूल, तो 5th ईयर में हमारा ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का जो सब्जेक्ट होता है उसी बुक से मैंने रेफर करके अपने को मतलब तैयारी प्रैक्टिस करी थी प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट की. जजमेंट राइटिंग की मैंने राहुल आईएएस से, जो हमारे फैकल्टी हैं मोहित सर एंड गोमा मैम, उन्होंने हमारे को पूरा लेआउट समझाया था कि जजमेंट राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इश्यूज़ कैसे फ्रेम करते हो एंड रीजनिंग क्या होनी चाहिए. मूविंग ऑनवर्ड्स टू द लास्ट लॉ पेपर आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन. इस मेंस एग्जामिनेशन का जो लास्ट पेपर होता है वो होता है लोकल एंड रेवेन्यू. अब यहाँ पे जो पूछा जाता है उत्तराखंड में वो केवल एक लॉ लोकल होता है विच इज़ UPZALR एंड IPC, एंड दोनों ही 100-100 मार्क्स के पूछे जाते हैं. तो आपको दोनों ही लॉ बहुत अच्छे से तैयार करने हैं. UPZALR की बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. UPZALR की ट्रिक ये है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले एक शीट में लिख लें. उस शीट में आपने जैसे कॉम्पेंसेशन है, सरेंडर है, रिहैबिलिटेशन है, इन टॉपिक्स को आपने लिख लिया, या फिर भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, इनके सेक्शंस लिख लिए और कैटेगरीज लिख ली. तो जब आप रिविजन कर रहे होगे, आपने वो सेक्शन पढ़ा होगा, आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि मुझे इस टॉपिक में, इस सेक्शन में ये कंटेंट लिखना है. सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन योर UPZALR सेक्शन. अब IPC के लिए फॉर एग्जाम्पल मेन्स में कैसे आंसर लिखने चाहिए. मेन्स में आंसर जो लिखने चाहिए वो होते हैं पॉइंट वाइज, टू द पॉइंट. ऐसा नहीं है कि आपको कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का डिफरेंस पूछा है, तो आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर एक एक पैराग्राफ में समझाइए. एंड द लैंडमार्क जजमेंट विच इज़ ऑफ डिफरेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इज़ R vs. Govinda. आप R vs. Govinda का पहला नाम लिखिए, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखिए, जज कौन थे, जज ने क्या डिफरेंस दिया. तो एक डिफरेंस मेरे को लगता है एक टैबुलर फॉर्म में आना चाहिए. टैबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल में, कि एक तरफ आपने कल्पेबल होमिसाइड लिख दिया, दूसरी तरफ आपने मर्डर लिख दिया. एंड कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर पेपर में कंक्लूजन, हर आंसर में आपका कंक्लूजन होना चाहिए. अगर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेन्स में, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस का एक फॉर्मूला है, I मतलब इशू, R मतलब रेलेवेंट लॉ एप्लीकेबल टू दैट इशू, A मतलब आप उस लॉ को उस इशू में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या एप्लीकेबल करते हैं, एंड C आपका क्या कंक्लूजन है. सो द फॉर्मूला इज IRAC. अगर कोई भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है तो यही फॉर्मेट होता है, एंड इसी पे आपको अपना पूरा आंसर फ्रेम करना होता है. मूविंग ऑनवर्ड्स टू द इंटरव्यू. अब इंटरव्यू से पहले उत्तराखंड में एक कंप्यूटर का प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज का पेपर होता है विच इज़ ऑफ क्वालिफाइंग. अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी मेन्स की आंसर शीट्स का भी चेक नहीं होंगी, और आपको 40 मार्क्स कंप्यूटर में लेकर आने हैं. 50 मार्क्स फॉर द जनरल कैंडिडेट शुड बी देयर टू मेक यू क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू लेवल इन उत्तराखंड. मतलब कि सिंपल भाषा में आपको 100 नंबर में से 40 नंबर कंप्यूटर में लेकर आने पड़ेंगे, तब आपकी मेंस की कॉपीज चेक होंगी. मेंस की कॉपीज चेक होने के बाद आपके पूरे मेंस के पेपर में आने चाहिए 50%. जब 50% आपके मेंस में आ गए, टोटल 50% आ गए, तभी आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स. बाकी सबके लिए वो जो मार्क्स है 50% का, वो 40% है या 35%, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट जनरल कैंडिडेट के लिए वो 50% है. एंड देन इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू इज़ अगेन ऑफ 100 मार्क्स. इंटरव्यू में वो रैंडमली आपको कॉल करेंगे, एंड इंटरव्यू में मेरे साथ
इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ मेनी पीपल. इंटरव्यू में आपके हाई कोर्ट जजेस होते हैं, कमीशन के मेंबर्स होते हैं, लॉ प्रोफेसर्स होते हैं हु इज़ आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एंड अ साइकोलॉजिस्ट इज देयर. सो आई वॉज आस्क्ड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विच इज़ अ वेरी बर्निंग इशू. सो आई वॉज आस्क्ड वॉट इज इनर लाइन, वॉट इज, एंड फिर मेरे से यूथनेशिया पूछा गया था 2010 एंड 2018 के जजमेंट में डिफरेंस पूछा गया था. मुझसे ये पूछा गया कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है. फिर मुझसे ये पूछा गया था, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि अगर मेरे को कोई लॉ में डिफरेंस मतलब सब्सटैंटिव लॉ में अगर कोई चेंज लेकर आना है तो मैं क्या चेंज लाऊंगी. सो मैंने अगेन मर्सी किलिंग है उन पर लॉ बताया कि मैरिटल रेप है उस पर लॉ एज सच कुछ नहीं है तो उसको एक डिफाइंड लॉ होना चाहिए मैरिटल रेप का सब्सटैंटिव ऑफेंस के लिए. एंड आप बिल्कुल भी इंटरव्यू के लिए स्ट्रेस ना लें क्योंकि इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी देखता है. इंटरव्यू में आपको ये होना चाहिए कि आप मेंटली फ्री रहें, आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो. आपको वो होगा आपको बिकॉज जब मैंने मॉक सेशन किया था अपना इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे क्लासेस में राहुल सर ने मुझे गाइड किया था कि आपको प्रेशर आएगा तो आप मन में बोलना प्रेशर प्रेशर एंड देन दैट प्रेशर विल गो. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दैट प्रेशर को बाहर अपने दिमाग से दिल से निकाल दें एंड वहाँ बहुत कामली एंड यू शुड थिंक. आप 3-4 सेकेंड का गैप लीजिए, पॉज लीजिए, क्वेश्चन सुनिए अच्छे से और फिर जवाब दीजिए. आप एकदम से जवाब ना दें अपने इंटरव्यू में. दूसरी बात, हम इंसाइक्लोपीडिया नहीं है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे को सारे सवालों के जवाब देने चाहिए. अगर आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं आते तो कोई बात नहीं है, आप उनको सॉरी बोल दीजिए, वो बुरा नहीं मानते हैं. उसके अलावा मैं उत्तराखंड के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप इंग्लिश मीडियम से हों या हिंदी मीडियम से कोई मैटर नहीं करता. वो मैटर ये करेगा कि आपकी कितने शिद्दत से आपने इस पेपर के लिए तैयारी करी है. क्योंकि मैंने भी ये बहुत बार, मैंने हर स्टेट के ऑलमोस्ट मैं तैयारी करती रहती थी. मेरा पीटी पहले नहीं निकलते थे फिर निकलने लग गए. एंड आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस बहुत करें, आप टाइमली मैनेज करें अपना पेपर, आप टाइम से कंप्लीट करें अपना पेपर. आपको ये याद रखना चाहिए कि इसके आगे कोई बात नहीं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आगे और भी मौके हैं, आप कभी ना कभी पास हो जाएंगे. आप अपने ऊपर भरोसा रखिए. मेरा उत्तराखंड का ये पहला अटेम्प्ट था लेकिन इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश का इंटरव्यू दिया था जो कि मेरा नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन. तो मैं एक दिन निराश हुई लेकिन अगले दिन मैंने एकदम फुल स्पीड में आ गई थी. मेरे को लगा कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. देखिए, तो इसलिए अभी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपनी लाइफ बना रही हैं, ये आपका डिसीजन है एंड आपने इतनी मेहनत करी है और मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती. हमेशा पढ़ाई वेस्ट नहीं रहेगी. आपकी पढ़ाई, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कोई चीज़ कहाँ जहाँ पढ़ी है वो कहाँ काम आ जाएगी. सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए. एंड वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहिए, आपको कभी ना कभी तो सफलता मिल ही जाएगी. उसके अलावा अगर आप छोटे शहर से हैं और कोचिंग या इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो YouTube है, आपके लॉ टीचर्स हैं जहाँ से आपने लॉ करा है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप इतना आपके पास एक तो इंटरनेट है. इंटरनेट हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर जगह है. आप इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सकते हैं. मैंने लॉ के लिए 2 ऐप्स इंस्टॉल करी थी. एक है लाइव लॉ जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी है और दूसरी है SCC ऑनलाइन. तो मेरे पास इन दोनों का सब्सक्रिप्शन नहीं था लेकिन इन दोनों के जो आर्टिकल्स आते हैं वो बायस्ड नहीं होते हैं, वो नॉन बायस्ड. एक जो कहते हैं ना, जो हमारे को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल अप्रोच की हाँ दिस इज़ अ क्लैरिटी. सो वो मेरे को थोड़ा हेल्प करा था लॉ के आंसर्स में भी क्योंकि वहाँ से मैंने रिसेंट जजमेंट्स भी देखे थे. सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको DKT की तरफ से और सारे व्यूअर्स को, स्पेशली DKT के व्यूअर्स को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स. एंड कभी भी आप ये मत सोचना कि इन्होंने ये कर रहा है, मैं वो नहीं, क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों पेपर दे रहा हूँ या मैं क्यों पेपर दे रही हूँ,
अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा ज़रूर होगा, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, इवन किस्मत भी नहीं रोक सकती, जो कि कहते हैं कि यहाँ पे लक बहुत मैटर करता है। एग्ज़ाम्स में आपने जो पढ़ा उसी के टाइप के क्वेश्चंस आ गए, हाँ मैटर करता है, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी हार्ड वर्क ये भी मैटर करती है। सो ऑलवेज़ बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव, आप कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में ना लेकर आएँ। ऑल्सो अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस होती हैं सोशल मीडिया से तो आप उनको मत यूज़ करिए। मेरे को पर्सनली कोई डिस्ट्रैक्शंस होती नहीं थी, तो बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो इट्स लाइक यू कैन नॉट अवॉइड ऑल्सो, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल। जैसे यूट्यूब की वीडियोज़ मुझे इम्पॉर्टेंट लगती थी हेल्प करने के लिए, एट दी एंड गूगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेसबुक एंड व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते थे कि अब रिजल्ट आ गया या नोटिफिकेशन आ गया, या अगर बाय चांस हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है तो वो अगर आप फ़ोन बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर दोगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा। एंड जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप अपना फ़ोन ऑफ कर दो, जब आप उस समय आप प्योरली अपना काम पे फोकस करोगे तो आपको ये अपना फ़ोन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर एक तरीके से कहते हैं ना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन, एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर करेंगे इस जर्नी में, तो वो सक्सेस थोड़ी जल्दी मिल जाएगी। अनदर थिंग इज़ कि आपको 18-18, 20-20 घंटे या 24 घंटे आपको ऐसा लगे कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, देन इट्स अप टू यू, बिकॉज इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 6 hours, 8 hours ऑन आउट ऑफ 24 hours, बट वो 6 to 8 hours भी आपने ऑनेस्टली पढ़े हैं, आपने फुल एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि पीटी के टाइम पे तो इतना इज इनफ मेरे को लगता है, लेकिन जब मेंस आ जाता है तो 8 to 10 hours का भी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि उस समय आपको रिविजन, आपको अपने नोट्स एक बार पढ़ने हैं, फिर राइटिंग स्पीड आपकी आनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, तो 3-3 घंटे का जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो एक दिन आपने 3 घंटे का पेपर लिख दिया, 4 दिन बाद दोबारा से 3 घंटे का पेपर लिख दिया, तो 3 घंटे अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बाकी के 5-6 घंटे आप पढ़ भी लेते हो, देन मेरे को लगता है दैट इज़ इनफ। अगर आपको फिर भी कम लगता है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, बट मेरे से पढ़ा इतना नहीं जाता था बिकॉज मेरा एकदम दिमाग जैम हो जाता था, सो आई हैड सम एंटरटेनमेंट टू वॉच एंड यू नो टू बी फ्रेश एंड टू बी स्ट्रेस फ्री, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट सिट मोर देन 2.5 hours और 3 hours एट अ स्ट्रेच। तो जब मेरा वो 3 घंटा ख़त्म हो जाता था या 2.5 घंटा ख़त्म हो जाता था तो मैं खेलने चली जाती थी या मैं टीवी देख लेती थी। सो वो अपने आप को आपको रिलैक्स रखना पड़ेगा इस पूरे जर्नी के दौरान फ्रेंड्स, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका मेंटल बैलेंस जो है, एक मेंटल पीस जो है वो रहे, एंड because of that you will be very positive and energized in preparing for your exam.